पुलवामा हमले के बाद आतंकी एक बार फिर अपनी नापाक साजिश में कामयाब हो गए। कश्मीर घाटी के बाद आतंकियों ने जम्मू के भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड को निशाना बनाया, जिसमें 33 लोग घायल हो गए और एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल सुरक्षा बलों ने कुछ घंटे बाद ही ग्रेनेड फेंकने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का HM कमांडर है, उसने टास्क किया था और उसी ने इसको ग्रेनेड भी मुहैया कराया था। ये लड़का कल कुलगाम से जम्मू आया, आज सुबह ये जम्मू पहुंचा है और इसने इस काम को सरंजाम देने के बाद इमीडिएटली भागने की कोशिश करी। बस स्टैंड पर हमले के बाद जम्मू समेत आसपास के जिलों में भी दहशत फैली है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि आतंकियों की माहौल बिगाड़ने की कोशिश कामयाब नहीं होगी, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। ये लोग जो मंशा लेके चल रहे हैं कि किस प्रकार से जम्मू को डिस्टर्ब किया जाए, कश्मीर तो है ही डिस्टर्ब है, पर हम जम्मू को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। यहाँ पे भाईचारा बना के रखेंगे और चुन चुन कर खून का बदला खून से लेंगे। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद से ही आशंका थी कि आतंकी ऐसी नापाक हरकत करेंगे। आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के पीछे आतंकियों की बौखलाहट को वजह माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री जितेंद्र सिंह का भी यही कहना है। ये विश्वास से कह सकता हूँ कि ये अंतिम अध्याय का अंतिम पन्ना है आतंक का। साथ ही साथ चूंकि ये जम्मू में हुई है, तो एक बात ये भी जोड़ दें कि जम्मू वासी परंपरा तौर पर शांति प्रिय हैं। ये देशभक्तों की धरती है, शहीदों की, वीरों की, शूरवीरों की धरती है। पाकिस्तान ने भारत की एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए सैन्य ठिकानों पर काउंटर अटैक की कोशिश की थी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। घाटी में सेना ने मिशन ऑल आउट चला रखा है, हर रोज आतंकियों को मारा जा रहा है। यही वजह है कि चौतरफा घिर चुके आतंकी संगठन अब अपना वजूद बचाने के लिए स्लीपर सेल से ऐसे हमले करवा रहे हैं। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद जैश और लश्कर के सामने घाटी में अपना वजूद बचाए रखने की चुनौती है। शायद यही वो वजह है जिसके चलते ये आतंकी संगठन अब स्थानीय आतंकियों को सक्रिय करने में जुट गए हैं। सेना के प्रहार से हार चुके आतंकी अब घाटी से बाहर सॉफ्ट टारगेट चुन रहे हैं। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट में चाइनीज ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। मुख्य आरोपी गिरफ्त में है, लिहाजा जल्द ही साजिश का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के कहने पर बालाकोट का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जब से हमने सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया है, तो पहले उसने बौखलाहट दिखाई थी कि वो उसने ट्रांस बॉर्डर फायरिंग LOC पे शुरू कर दी थी। उसके बाद में आपने देखा होगा कि उनके F-16 भी हमारे इलाके में आए और उन्होंने कोशिश की कि मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर में करें। जम्मू में ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद पठानकोट समेत दूसरे बस अड्डों की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। चुनावी मौके पर जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में ऐसे हमले बढ़ने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान तेज कर दिया है, क्योंकि आतंकी संगठनों से स्लीपर सेल देश भर में सक्रिय हैं, जिन्हें खत्म किए बिना आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा मुश्किल है। ताशा तो है ही है, लेकिन उन्होंने एरिया ऑफ ऑपरेशन, ताकि हमारी अटेंशन और डाइवर्ट भी हो, तो डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जम्मू रीजन में किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जम्मू रीजन में स्लीपर सेल तो है ही हैं, जिनको कि हम अभी तक अटैक नहीं कर रहे हैं। मेरी तो ये गुजारिश है कि हमें अच्छी तरीके से इंटेलिजेंस लगा के ये स्लीपर सेल्स को बस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ये आर्क और न बढ़ जाए। सुरक्षा एक्सपर्ट भी मानते हैं कि आतंकी संगठन आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीधी लड़ाई लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं बची, इसीलिए पीठ पीछे वार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आतंकवाद पर फाइनल वार कब होगा, कब तक आम नागरिक आतंक का शिकार बनते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।